हेलो जी, सारे नूं सत श्री अकाल। अज असीं गोभी की सब्जी बनाने जी, जो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मिलती है। ये असी गोभी का एक फुल लिया, तो उन्होंने असी कट के गर्म पानी च वॉश किया, नहीं तो ये कैमिकल वगैरह होंगे आ। गर्म पानी च एक बार जरूर वॉश कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल साफ हो जाती है गर्म पानी ना। तो ये असी पाना जी लसन अदरक प्याज, ये असी कट लिया बरीक बरीक, क्योंकि सर्दियों लसन जरूर ज़्यादा वरतना चाहिए। नाल असी थोड़े जे आलू भी कट ले। तो हुण असी इहनू सरों के तेल च बनावांगे, क्योंकि सरों का तेल बहुत ही वधिया हुंदा। तो हुण असी सरों के तेल दे विच गर्म करदे आ। सरों के तेल नूं चंगी तरह गर्म कर लिया, उहदे च असी पाता कड़ी पत्ता, पाता दालचीनी, पाती जीरा, पाता तो हिंग भी असी पाई है थोड़ी जी। हिंग नाल वैवादी नहीं होंगी, जिहड़ी गोभी होंगी है बहुत वै वाली होंगी है, इस करके हिंग पानी बहुत जरूरी है। तो हिंग की वरतों तुहानू सर्दियों च वैसे भी कर लेनी चाहिए है, क्योंकि अजकल वैवादी ना गोडे दर्द करते हैं, जोड़ा विच दर्द होंदा, तो जिहड़ी हिंग होंगी है बहुत अच्छी होंगी है। तो सो साडा घिओ चंगी तरह गर्म हो गया, तेल देखो बिल्कुल पक चुकिया। हुण असी इहदे विच जीरा भी भुन लिया, हुण असी इहदे विच लसन अदरक प्याज पावांगे। लसन अदरक प्याज साडा भुन लिया चंगी तरह, इहनू ब्राउन करना। तो जिहड़ा असी इहदे विच दालचीनी पाई सी उहनू कढ देना, क्योंकि जे ज़्यादा देर रखो तो फिर कड़वी हो जाती है, इस करके दालचीनी नूं असी हुण बाहर कढ दिंदे हां। जे ज़्यादा देर रखांगे तां सब्जी च कड़त्तन हो जाती है। तड़के में असी पूरा चंगी तरह ब्राउन कर लेना, क्योंकि सब्जी ये बहुत वधिया बनती है। जिन्ना अच्छी तरह तड़का बनया होगा सब्जी उन्नी ही अच्छी बनती है। मठे सेकते भुनना तड़का, क्योंकि ज़्यादा सेकते एकदम सड़ जाता। प्याज भुज चुकिया बिल्कुल, हुण असी इहदे विच स्वाद मुताबक नमक पावांगे, वह तुसीं अपने टेस्ट मुताबक पाना जिन्ना तुहानूं अच्छा लगता, क्योंकि कई नमक घट खांदे कई ज़्यादा खांदे आ, तुसीं अपने टेस्ट के मुताबक पाना। हल्दी पाउडर विच पा लेना, क्योंकि हल्दी बहुत अच्छी हुंदी है, एंटीबायोटिक हुंदी है। ते रेड मिर्च पानी आ, नाल ही गर्म मसाला ऐड कर लेना, ते जे तुहाडे कोल सुक्की मेथी पई है तो तुसी वह भी ऐड कर सकते हो। इहनू चंगी तरह मिक्स कर लेना। टमाटर तुहाडी मर्जी है, पा भी सकते हैं नहीं भी पानी, वह तुहाडी इच्छा। फिर असी इहदे विच थोड़ा जिहा पानी ऐड कर लाँगे, क्योंकि तड़का अच्छी तरह हो जाए। तड़का बिल्कुल रेडी हो चुक्या। हुण असी इहदे विच जिहड़ी गोभी सीगी धोई हुई तो आलू ही असी मिक्स कर दें। इनू असी एक बार तेज सेकते चंगी तरह गर्म कर लेना, उस तो बाद इनू सिम ते बनावांगे। सिम ते बहुत ही वधिया सब्जी बनती है, उहदा टेस्ट ही थोड़ा अलग हुंदा। जदों असी गोभी विसल वगैरह लगा लैंदे हां फिर उहदे नाल सारी तत खत्म हो जाते हैं, इन्नी अच्छी टेस्ट नहीं बनता वह। तो सो असी इनू एक बार तेज सेक के ढक दें, उस तो बाद असी इनू सिम ते रखांगे। चंगी तरह मिक्स कर लेना, मसाला बिल्कुल अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। आलू गोभी नू भी चंगी तरह मिक्स कर लिया। हुण तेज सेकते असी थोड़ी देर बंद कर दें, उस तो बाद फिर असी इनू मठी अग ते बनावांगे। ये असी धनिया कट लिया इहदे लई, क्योंकि बाद च असी जदों सब्जी बन जाती है फिर धनिया भी इहदे च पावांगे, तो उहदे नाल होर भी वधिया टेस्ट बनता। सब्जी देखो साडी चंगी तरह बनी जा रही है, मठी मठी अग ते।
ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਟਰ ਗੋਭੀ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਮੀ ਸਿਮ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।